हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के पांच ऐसे बड़े ओटीटी के खिलाफ मंत्रालय में केबल ऑपरेटरों द्वारा कंप्लेन दी गई है, उसी से रिलेटेड अपडेट रहने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दो, पाँच प्रमुख टीवी प्रसारण कंपनियों यानी कि ब्रॉडकास्टर के ऊपर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ओटीटी प्रबंधन पर केबल ऑपरेटरों की शिकायत की गई है। जैसा कि दोस्तों बता दो केबल ऑपरेटर ने संघों से सीधा मंत्रालय से शिकायत की है कि पांच प्रमुख टीवी प्रसारण कंपनी इंडिया में जो पांच पॉपुलर ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे शिकायत की गई है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि यह प्रसारण गृह मंत्रालय के मंजूरी के बिना प्रसारण को अवैध रूप से वितरित कर रहे हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। केबल ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया, महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फाउंडेशन सोसाइटी ने अपने वकीलों के माध्यम से मंत्रालय को असहाय का एक शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत में आरोप सामना करने वाली कंपनियों में स्टार इंडिया, जी इंटरटेनमेंट, सोनी पिक्चर नेटवर्क्स, वायकॉम 18 और वार्नर मीडिया शामिल है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रसारकों ने केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, टीवी चैनलों द्वारा पालन किए जाने वाले डाउनलिंकिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी ऑपरेटर लाइसेंस के ग्राहकों को लाइव प्रसारण प्रदान किया गया है, अंतिम उपभोक्ता को चैनल प्रसारण की डिलीवरी केवल टीवी अधिनियम के अनुसार ही देना था, लेकिन उसका तर्क यह है कि DSCC केवल लाइसेंस शर्त वाले अनुसार के ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालांकि केबल ऑपरेटर के संघों ने MSO लाइसेंस के बिना अपने स्वयं के OTT प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को अपने चैनल अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं। जैसे कि जी ग्रुप जो है, G5 उनका OTT लॉन्च है जिसपे आपको OTT के कंटेंट के साथ साथ लाइव चैनल्स भी दिखा रहे हैं वो लोग। जी के जो पैकेजेस है वहाँ पे भी लोग लाइव कर दिए हैं। सोनी नेटवर्क ने भी सोनी लिव लॉन्च किया हुआ, वहाँ पर भी सोनी के चैनल्स दिखाए जा रहे हैं। स्टार इंडिया ने भी अपना डिज्नी हॉटस्टार लॉन्च किया है, वो अपने स्टार के चैनल्स पब्लिश कर रहे हैं। वायकॉम 18 का वूट है, वो भी टेलीकास्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वार्नर मीडिया भी अपने चैनल, संगामा वाले भी अपने चैनल्स टेलीकास्ट कर रहे हैं OTT पे। साथ ही प्रसारक वितरण कंपनियों को अपने पे चैनलों की कीमतें बढ़ा रहे हैं और अंततः ग्राहकों पर बोझ डाल रहे हैं, लेकिन उनका OTT सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि MSO के बिना लाइसेंस के टैरिफ ऑर्डर नियमों का उल्लंघन करने का भी दावा किया है। इन प्रसारकों के द्वारा पेश किए जाने वाले चैनल OTT प्लेटफॉर्म पर कीमतों की तुलना करते हुए MSO के माध्यम से केवल ग्राहकों को दी जाने वाली कीमतों की तुलना भी काफ़ी ज़्यादा है। दूरसंचारक प्रसारण और केबल सेवा इंटरकनेक्शन अधिनियम 2017 के अनुसार TV चैनल परिभाषा के अनुसार MSO, DTH ऑपरेटर, इसके अलावा IPTV हिट्स के द्वारा ही आप टेलीकास्ट कर सकते हैं। केबल ऑपरेटर संघों ने कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतिस्पर्धा के स्थान समान अवसरों की कमी के कारण केबल उद्योग गंभीर रूप से पीड़ित था और ये प्रसारण कंपनियां कानून का उल्लंघन कर रही है, बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही है। मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया, उन्होंने ये भी कहा है कि एक ही प्रसारण को अलग अलग कीमतों पर देकर टैरिफ ऑर्डर के नियमों का उल्लंघन किया गया है। याद दिला दें कि चैनल एक ही लोगों के साथ प्रसारण की पेशकश कर रहा है। एक तरफ MCS केबल ऑपरेटर्स टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक सब्सक्राइबर को पे चैनल ऑफर कर रहे हैं, वहीं ब्रॉडकास्टर उन्हीं चैनलों को OTT के जरिए रियायती कम कीमतों पर लोगों को पहुँचा रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सस्ती कीमत के अलावा उन प्रसारकों को कभी भी देखने की क्षमता के साथ साथ वार्षिक सदस्य के साथ एक से अधिक डिवाइस पर देखने की अनुमति भी केबल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इन सभी परिस्थितियों में दो केबल ऑपरेटर के संघों ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कानून उल्लंघन के करने की प्रसारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। तो बेसिकली जितने भी स्टार है, G5 है, सोनी लिव है, वूट है, इन सभी ने अपने OTT ऐप्स बना रखे हैं, कहीं MSO हिट्स के जरिए तो चला रही हैं, साथ ही अपने अपने OTT ऐप्स में भी सभी लाइव चैनलों को लीनियर कंटेंट को दिखा रहे हैं। और जो प्लान हमें यहाँ पे मान लीजिए कि जी का 39 रुपीज़ का जो बुके है वहाँ पे कम कीमतों में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, सोनी के कम कीमतों में दे दिया जा रहा है, जी हॉटस्टार जितने भी है इनका जो प्लान्स है एनुअल प्लान्स काफ़ी सस्ते में दे देते हैं और सारे चैनल्स भी दिखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं सेम चीज़ें अगर OTT पे सस्ता मिलेगा और प्राइवेट DTH केबल TV पे अगर उसका प्राइस डिफरेंट है, वैरी कर रहा है, तो कस्टमर भी इस चीज़ को टूटते हैं।
तो इन सभी को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को केबल ऑपरेटर संघों ने कंप्लेन दिया है। आने वाले वक्त में पता चलेगा इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या स्टेप लेती है। किसी भी तरीके का अपडेट्स आएगा मैं आप लोगों का शेयर करते रहूँगा, और इसी तरीके का अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।